दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट के पहले क्या है ताजा भाव? दिल्ली की 70 सीटों के लिए फलौदी सट्टा बाजार, रायपुर सट्टा बाजार और महाराष्ट्र का सट्टा बाजार, दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार दिखा रहा है? 9 फरवरी के लिए सबसे सटीक यहां पर एग्जिट पोल सट्टा बाजार के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली की 70 सीटों के लिए यानी दिल्ली की सरकार के लिए 40 से 50 हजार करोड़ का सट्टा लगाया हुआ है। और कहीं नहीं अगर बात करें तो राजस्थान के जो फलौदी सट्टा बाजार है इसके आंकड़े सटीक बैठते हैं और फलौदी सट्टा बाजार पर 600 करोड़ से ज्यादा का सट्टा है। ये यहाँ पर बड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, सट्टा बाजार में किसका कितना भाव है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर 15 पैसे का भाव था जो वोटिंग के बाद 8 पैसा हो गया है। बता दें आपके लिए कि जिसका भाव कम होता है सरकार उसकी ही बनती है। इसके अलावा बीजेपी पर पहले 10 रुपए का रेट था, मतदान के बाद बीजेपी का भाव 5 रुपए आ गया, मतलब बीजेपी ने भी कम बैक किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस रेस से बाहर है और अगर सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी के लिए 1 लाख पर जो सट्टा बाजार भाव दे रहा है, पैसे दे रहा है, 7 से 8 हजार, मतलब कि 1 लाख रुपए लगाने पर सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए ही यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के लिए 7 से 8 हजार रुपए लगाने पर 1 लाख रुपए यहां पर मिलने वाले हैं। कांग्रेस के लिए 2000 पर 1 लाख का सट्टा यहां पर दिया जा रहा है। अगर सीटों के आंकड़े आपको दिखा दें, सट्टा बाजार रायपुर हो या बड़े जो यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार है, उन्होंने अपने अनुमान जो दिए हैं, आम आदमी पार्टी 55 से 60 सीटें ला रही है। इससे पहले जो बड़े न्यूज चैनल हैं उन्होंने भी अपने आंकड़े दिए हैं जो कि 55 के 60 के बीच सभी जो चैनल हैं उनका यहाँ पर औसतन आंकड़े यहाँ पर बैठते हैं। इसके अलावा बीजेपी को 9 से 10 सीटें दिए जा रही है क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार ये बात कर रहा है कि यहाँ पर जो साइन बाग है इसका मुद्दा 6 से 7 सीटें बीजेपी को यहाँ पर जीतने में दिखा रहा है, लेकिन इतनी सीटें नहीं है सत्ता में आ सकी। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है सट्टा बाजार के एग्जिट पोल के अनुसार। और रायपुर सट्टा बाजार के आंकड़े अगर आपको दिखा दें तो आम आदमी पार्टी के लिए 10 हजार रुपए पर 6 हजार रुपए, मतलब 10 हजार लगाने पर 6 हजार रुपए ही आपको वापस मिलेंगे। और यहाँ पर बीजेपी के लिए अगर बात की तो 1000 पर 10 हजार रुपए यहाँ पर जो रायपुर सट्टा बाजार है वो आंकड़े यहाँ पर दिखा रहा है। और कांग्रेस के लिए कोई भी भाव यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, मतलब कांग्रेस एक भी सीट लाती नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी रिजल्ट से पहले ये फलौदी सट्टा बाजार या इससे पहले जो बड़े यहाँ पर सट्टा बाजार है उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं। फिर भी आपकी जानकारी बता दें ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है, फाइनल आंकड़े आपको 11 फरवरी को देखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ ही घंटों का आप समय बाकी है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।